नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 52,188 और बैंक निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 35 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। और यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही कंटिन्यू कंसॉलिडेट कर रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि 52,222 से लेकर के 52,377 ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है डेली चार्ट पे। ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो ना कंटिन्यू, मैं ये बातें आप लोग से बताते शेयर कर रहा हूं कि यहां पे कंटिन्यू हमने टाइम बिताया था। टाइम बिताने के बाद हम गिरे थे ऊपर, हमने कोशिश भी की, यहां पे देखिए 3-4 दिन कंसोलिडेट भी किए, उसके बाद वापस हम नीचे की साइड में आ गए, फिर से हम उसी लेवल के आसपास पहुंचे हैं। तो डेली चार्ट पे ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस, पहले ये स्ट्रांग यहां पे सपोर्ट था, ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस बना। हमने दो बार टेस्ट भी किया लेकिन उसके ऊपर नहीं निकले। आज की हमारी क्लोजिंग जो है वो 52,888 है। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, तो यहां पे आप नजर बना के रखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में अगर इसके ऊपर क्लोज करके निकलता है तो फिर कहां पे जाएंगे हम, ये वाली जो रेंज है इसका अपर एंड, यहां पे हम जा सकते हैं। ये हमारी रेंज, नई रेंज यहां पे ओपन हो जाएगी। और जो सपोर्ट रेंज है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अब हमारे लिए ये स्ट्रांग सपोर्ट बनता जाएगा, यानी 51,444 यहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता जाएगा। एक बार 37 के ऊपर क्लोज करने के बाद जो ये सपोर्ट है वो सपोर्ट शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा, 51,888 के ऊपर ये सपोर्ट आ जाएगा आपका, एक बार अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो डेली चार्ट में हम लगभग उसी जगह के पास में क्लोज हुए क्योंकि 35 पॉइंट ही ऊपर क्लोज हुए। ध्यान रखिएगा, कल हमारी वीकली एक्सपायरी है तो इस रेंज के ऊपर एक मूवमेंट थोड़ी सी मिल सकती है। तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस तरह से एक्सपायरी मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर में ही सारा दिन आज ट्रेड करते रहा। जो पहली कैंडल है लगभग देखेंगे, पहली दूसरी कैंडल ने इसने हाई बनाया, पहली कैंडल ने लो बनाया, उसी रेंज के बीच में हम कंटिन्यू ट्रेड करते रहे। तो अगर कल एक्सपायरी है, कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, कल अगर इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी कहीं पे खुलता है, इसी रेंज के बीच में खुल के और करीब 15-20 मिनट इसके रेंज के अंदर ही ट्रेड करने लगता है, उसके बाद अगर ये ऊपर आज के हाई को ब्रेक करता है तो फिर एक मूवमेंट मिल सकती है जो कि इसे लेके जा सकता है 52,377, जो कि हमारा 15 मिनट पे रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 52,466 का, और उसके ऊपर जो जाएगा तो 52,555, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। यानी इस रेजिस्टेंस को अगर इस रेंज को निकालता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के पास तक जा सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल के थोड़ी देर होल्ड करता है तो फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो कहाँ पे आएगा, 466 का, और इसके ऊपर भी अगर होल्ड करता है तो 555। अगर इसी रेंज के बीच में ट्रेड करने के बाद नीचे की साइड में ये ब्रेकडाउन करता है, यानी नीचे की साइड में मूव करता है, जो फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल आपके लिए कहाँ पे है, फर्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 51,933 और सेकंड जो सपोर्ट है वो है 51,822। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इस रेंज के बीच में नीचे की साइड में आता है, ध्यान रखिएगा इस लेवल के पास में ये जो रेंज है ना, ये वाली ये जो रेंज यहाँ पे टाइम पास किया इसने, इस रेंज के बीच में हो सके तो थोड़े से बायर एक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर इस रेंज के बीच में रहा तो छोटे मूव के साथ में यहाँ पे नीचे की साइड में आ सकता है, यहाँ पे हो सके कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर से बायर एक्टिव हो, तो कहाँ पे लेके जाएंगे, वापस आज की क्लोजिंग के आसपास। अगर इसी रेंज में खुलते, इस रेंज के ऊपर निकलते हैं तो फिर जो मैंने नेक्स्ट रेजिस्टेंस बताया उस रेजिस्टेंस के पास तक जा सकता है। अगर इसे गैपअप खुलते हैं इस लेवल के ऊपर, ज़्यादा बड़ा गैपअप नहीं खुलते हैं लेकिन 400 के आसपास मान लीजिए गैपअप खुलते हैं, 300 और 400 के बीच में, और वहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेशन के बाद में जिस साइड में मूवमेंट आएगी फिर 100-150 पॉइंट का मूवमेंट वहां पे आपको दिख सकता है। सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगा कि इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं पे ओपन हो और अपने जो इंट्राडे यानी 15 मिनट के चार्ट पे जो रेजिस्टेंस बनाए उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो सेकंड रेजिस्टेंस, तो उसके ऊपर निकलेगा तो ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा अगर गैप डाउन मान लीजिए खुल जाए इस रेंज के आसपास कहीं पे खुल जाए, अगर गैप डाउन खुले, ध्यान रखिए गैप डाउन खुले तो आपको इंतजार करना पड़ेगा रेंज बनने का या फिर कोई बुलिश कैंडल बनने का, तभी आप यहाँ पे अपने ट्रेड को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।